सिवान जिले के प्रखंड पचरूखी ग्राम गंभड़िया लगभग 15 घर 75 दलित परिवार वाले टोले हैं। यहाँ लगभग 100 घर 500 परिवार के लोग पचरूखी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करने हेतु जाते हैं। जब रात्रि में प्रसव घर पे ही हो जाती है तो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी इनम को सूचना दिया जाता है। घर पे नहीं जाएंगे और जाएंगे तो 2000 रुपया मांगा जाता है। जबकि जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इसी गांव के रहने वाली नीति देवी के घर पर फरवरी माह के लास्ट सप्ताह में रात्रि 8 बजे के करीब में पुत्र जन्म लिया। वहां के स्वास्थ्य कर्मी इनम को सूचना दी गई। दिन में कि रात में? रात में। का कहत रही? हम ना जाए। कितना पैसा मांगली? 2000। कौन हॉस्पिटल पड़ेगा रोड ब्लॉक को जाके? पचरूखी। वहाँ के ससुराल के? हाँ। तो वहाँ हॉस्पिटल में कोनो व्यवस्था मिलल कि ना? कोनो व्यवस्था ना मिलल। तो कैसे हो गए लड़का के? तो खून पानी में रहे रात भर, नर नाक कटाइल, ना आइल नरस, 2000 रुपया मांगत रहे लोग। अच्छा। तो वही से नाक कटाइल, तो बिहान भोले रात भर खुल गई, तो चार दिन के रहे तो हम लेकर चल। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि मेरे भतीजे के पत्नी के साथ भी ऐसा हुआ है। आगे मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह की समस्या और महिलाओं को झेलना पड़े। इसके लिए मैं प्रभावित परिवार के लोगों से जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र दिलवाऊंगी, ताकि भ्रष्टाचारी पर रोक लग सके। इसमें आप लोग मेरा मदद कर सकते हैं। जिला चिकित्सा पदाधिकारी सिवान को, जिनका मोबाइल नंबर 9477037888 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं ज्ञानती कुमारी, प्रखंड भगवानपुर सिवान, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।